तो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इन्वेस्टर्स की खुशी के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कोशिश कर रही हैं और इसके साथ साथ उन्होंने 20 से 25 वीडियो भी बनाया ताकि उनके इन्वेस्टर्स उनकी तरफ से मुतमईन रहें, सेटिस्फाइड रहें और उनको किसी भी चीज़ के बारे में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज, आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो कहीं से भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, जो आपके लिए होगा बहुत ही काम का। अगर आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए गाइज, जानते हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या किया है और वो आगे का क्या प्रोसेस कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के एक मेन मेंबर से कि वो इसके बारे में क्या बताते हैं। आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ज़्यादा दूर नहीं है, जब भी कोई ज़रूरी चीज़ होगी आप लोगों को वो खुद ब खुद बजाते खुद बताएंगे। जैसे कि अभी तक 25-30 वीडियो में उन्होंने बताया है। लोग ये भी कहते हैं कि आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा क्यों नहीं वीडियो बनाती हैं। मेरे भाई और मेरी बहन और मेरे बुजुर्गवार, डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा के पास बहुत सारे काम और भी हैं। वो हर दिन एक वीडियो बनाने लगे तो आप ये बताइए कि 30 वीडियो 25 वीडियो जब से वो रिहा हुई हैं, हिंदुस्तान की या दुनिया की कोई भी कंपनी ले लीजिए, किस कंपनी के सीईओ ने 5 वीडियो बनाया, 1 वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाया, 10 वीडियो बनाया, लेकिन आपकी मोहतरमा आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने 25-30 वीडियो बना करके आपकी राहत के लिए काम किया है। फिर भी आप लोगों की ये भोंडे भोंडे सवालात हैं, खुद को अजियत देना है, कंपनी को भी डिस्टर्ब करना है, तो ऐसा ना कीजिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से विड्रॉल करने वालों की प्रक्रिया है, उनका अमल है, सबसे पहले वो पूरा किया जाएगा, पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है। जनवरी तो अभी दूर है, बेनिफिट वालों का वक्त दूर है, इंशाल्लाह ताला अभी 75 दिन है, इतने दिनों में बहुत कुछ मामलात हल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आ गई, इन चीज़ों में खुद को अजियत में डाल करके खुद को भी ना परेशान करें, कंपनी को भी ना परेशान करें, उनको काम करने दें। और दूसरी बात यह है कि SFIO के मामले में लोग बारहा ये सवाल करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई एक दोस्त ने बताया कि एक ही शख्स मेरे पास भी फ़ोन करता है, उनके पास भी फ़ोन करता है, उनके पास मतलब हर किसी के पास फ़ोन करता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी राय क्या है SFIO के सिलसिले में, मेरी क्या राय है, क्योंकि मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ। मैंने जब आज इतने दिनों से सब्र किया हुआ है तो आज SFIO का मुंह मैं क्यों देखने लगा। SFIO एक ऐसी जांच पड़ताल की एजेंसी है जिसने तमाम ब्लैकमेलरों की उठाए गए अकदामात को रोक करके रख दिया है कि तुम इधर उधर FIR करके लोगों को ठगने का काम, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट वाले करते थे, तो लोग ऐसा ना करें, अपने आप को अजियत में लोग ना डालें, इधर उधर जा करके डिपार्टमेंट वाले आकर के, थाने वाले आकर के आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा को हरासा ना कर दें। लिहाजा SFIO वो एजेंसी है जो लोगों की ब्लैकमेलरी पर ताला लगा देती है, इतनी अच्छी जांच एजेंसी है। SFIO वो जांच एजेंसी है जिसके अख्तियारात इतने हैं कि अगर किसी ने ज़र्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी की होगी तो SFIO हर किसी से सवाल कर सकता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पुलिस कमिश्नर का बाप असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो, हर किसी से वो सवाल करने का अख्तियार रखता है, बगैर किसी नोटिस के किसी के घर पर भी पहुँचने का अख्तियार रखता है। कौन? SFIO। SFIO जहां इन्वेस्टरों के पैसे देने की जमानत लेता है, कोशिश कर रहा है, वहीं आलमा डॉक्टर नोएरा शेख को उनके काम में फिर से खड़े होने के लिए बहुत बहुत कोशिश में मुआविन हो रहा है, हर तरह की मदद पेश कर रहा है। जैसा कि SFIO को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप एक तखमीनी लागत लेकर के आए और ये बताएं सुप्रीम कोर्ट को कि लोगों को जो पैसे देना है, जो कंप्लेन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द लेना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं, जो कितने लोग हैं, कितने पैसे की रकम तुम्हारे पास आते हैं, जरा अंदाज़ा लगा करके बताओ। उसके ज़िम्न में SFIO ने एक नोटिस जारी किया अखबारों में, जिसमें ये कहा कि जो लोग 20 तारीख तक, यही 20 तारीख जो आने वाली है 2-3 दिन बाद, यहाँ तक आप लोग अगर अपना डेटा दे देते हैं, अगर देना चाहते हैं, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है,
जो लोग कंप्लेन करना चाह रहे थे, इधर उधर कंप्लेन करना चाह रहे थे, SFIO उनसे मुखातब है कि अगर आप इधर उधर कंप्लेन करना चाह रहे थे तो आओ SFIO में। सबको नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो डिपार्टमेंट वाले हैं। डिपार्टमेंट को भी कह रहा है कि अगर तुमको कोई बात कहना है तो आओ SFIO में कहो, अगर किसी इन्वेस्टर को कुछ कहना है तो आओ SFIO में कहो, अगर आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहबा को या कंपनी को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कुछ कहना है तो आओ और SFIO में कहो। लिहाजा SFIO तमाम मैटर को क्लब करने की एक जगह है, जिसके लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बड़े मुद्दत तक फाइट की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुई। दुश्मनों ने, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि सीबीआई को मामला जाएगा, जांच एजेंसी इसको जाएगा उसको जाएगा, लेकिन SFIO को नहीं जाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के जरिया से, हाई कोर्ट के जरिया से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कामयाबी हासिल की और SFIO को मामला गया। SFIO को जाना भी चाहिए, लिहाजा इसलिए SFIO कर रही है हर किसी के साथ इंसाफ के लिए। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का बयान लेने के लिए SFIO ने उन्हें मदऊ किया था बाकायदा सिक्योरिटी के दरमियान। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने SFIO को हुक्म दिया है कि जब भी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा से कुछ पूछने की ज़रूरत हो तो सबसे पहली बात वो जहां बताएं वहां जाओ, और अगर बुलाने की ज़रूरत पड़ती है तो मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ उनको बुलाओ। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए हर किसी के साथ इंसाफ का काम SFIO कर रही है, लिहाजा SFIO हो या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज या कोई भी, एक चीज़ मैं बता दूं कि लोग अगर ये समझते हैं कि SFIO में जाएंगे तो हमारे पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, तो ये खाम ख्याली है। जो लोग सब्र से बैठे रहना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, जो लोग SFIO में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ, दोनों लोग आज़ाद हैं, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। मामला अब बहुत बेहतर अंदाज में चल रहा है, लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने कहा था कि दुनिया के तमाम कोनों में चक्कर लगा करके आप आ जाइए, पैसे देने की प्रक्रिया अगर कोई शख्स शुरू करेगा तो वो आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा हैं। लिहाजा SFIO भी उस वक्त तक पैसे देने में कामयाब नहीं होगी जब तक कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा SFIO को पैसे फराहम नहीं करेंगी। लिहाजा आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा पैसे देने में कामयाबी मैसर करें, उनकी प्रॉपर्टी फरोख्त हो और बगैर किसी अड़चन के वो तमाम मामलात को कर सकें आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा, उसके लिए SFIO साथ साथ में हर कदम पर साथ देगी, कंपनी का भी और इन्वेस्टर का भी। तो मैं कह ये रहा था कि अगर कोई ये चाहता है कि हम SFIO में जाएंगे तभी हमको पैसे मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि SFIO को भी पैसे देने आलमा डॉक्टर नोहरा शेख ही जाएंगी, वरना उससे पहले SFIO कोई अपनी जेब से नहीं देगा। लिहाजा मैं एज ए इन्वेस्टर जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो लोग SFIO में किसी वजह से नहीं जा रहे हैं या नहीं जाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो उसका जो फॉर्म है उस पर दो तीन कलाम मैं अपने लिए जो फिक्स कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। SFIO में जाने से दो तीन तरह के सवालात मेरे मन में आ रहे हैं। अगर मैं जाता हूँ एक एज ए इन्वेस्टर, अगर कोई जाता है तो SFIO के फॉर्म में ये लिखा गया है कि आपने इन्वेस्ट किया कितना किया, तो उससे पता ये चलता है कि इन्वेस्ट कितना किया और कितना कमाया, तो इससे ये पता चलता है कि हिसाब किताब दोनों चीज़ों का होगा कि कितना डाला पैसे और कितने कमाए, तो इसका मतलब है कि हिसाब किताब लाजिम है। दूसरी बात, आधार कार्ड मांगा गया है और पैन कार्ड मांगा गया है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जमा करता हूँ, कुछ लोग 1 करोड़ रुपए भी जमा किए हुए हैं, तो पैन कार्ड देने का एक मतलब साफ शफाफ मुझे एज ए इन्वेस्टर समझ में आ रहा है कि वो पैसे का आमदन का जरिया क्या था, मैंने कहाँ से कमाया, कहाँ से हासिल किया, और जो मैंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दाखिल करने से पहले उसका इनकम टैक्स वगैरह दिया कि नहीं दिया। तो पैन कार्ड मांगने का मतलब एक चीज़ ये साफ शफाफ तरीके से वाज़ह है, तो लिहाजा इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से कमाया
उसका इनकम टैक्स वगैरह अदा किया या नहीं किया, अगर मैं जाता हूँ या एक इन्वेस्टर जाता है तो ये चीज़ भी उसको ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई नहीं जाता है तो कंपनी उसके साथ इंसाफ करेगी, कंपनी जैसे तमाम लोगों के साथ इंसाफ करती है। कंपनी ने सबको सेफ रखने के लिए 100-100 करोड़ रुपए इनकम टैक्स अदा किए हैं। लिहाजा मुझे ये समझ में आता है कि अगर SFIO में जाता हूँ या कोई जाता है कोई इन्वेस्टर, तो उसके साथ जो मामलात हैं, जो हिसाब किताब है, वो होना लाजिम है और होना भी चाहिए, क्योंकि SFIO जांच पड़ताल के लिए ही बनाई गई है। किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, ना मुल्क के साथ धोखाधड़ी हो और ना ही किसी तरह से किसी के साथ गलत हो, SFIO इसी के लिए बनाई गई है। लिहाजा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक बताई इसलिए नहीं गई कि इन्वेस्टर जिस चीज़ में अपनी आकबत, अपनी आफियत और अपनी अपना तहफ़्फ़ुज़ पाते हैं वो कदम उठाएं। अगर नहीं पाते हैं, नहीं जा सकते हैं, या अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के ऊपर भरोसा है कि जैसे उन्होंने 20 साल तक, जैसे डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने दौरान गिरफ्तारी जो वादा किया था, उन चीज़ों पर वो हक हैं, सच हैं और साबित कदम रहेंगी आइंदा भी, जिसको इस चीज़ पर भरोसा है उसको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। लिहाजा अगर कोई गया है तो वो अपने मामलात का खुद अख्तियार रखता है, अगर कोई नहीं गया है तो आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा पर मेरे जैसे भरोसा कर सकता है। लिहाजा आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, बस खुद को अजियत में ना डाले, अपने कामों में मसरूफ रहते हुए अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। दर बदर भटकने की ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगी इंशाअल्लाह ताला।